इतनी दुआएं मांगते थे मैं आप दोनों के एक होने की, आप नहीं बच्चियों की भलाई के लिए ना आप अलग हो जाओ बस प्लीज। दिशा इन्हीं बच्चों की भलाई के लिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इनकी भलाई के लिए मैं इन्हें अपने पास रख रहा हूँ। बच्चे आपके पास रहेंगे, एक बच्चे आपके पास रहेंगे ना तो एटलीस्ट बच्चियों को माँ या बाप का प्यार तो मिलेगा। यूं एक साथ इस तरह से लड़ते रहेंगे तो जिंदगी भर उनको नफरत देखनी पड़ेगी आप दोनों की। उनकी परवरिश के लिए अच्छा नहीं है अपने माँ बाप को इस तरह से लड़ते हुए देखना। आप डिसाइड कीजिए आपको एक साथ प्यार से रहना है या अलग हो जाना है। क्या यही लिखा है इन बच्चियों की किस्मत, तेरे माँ या बाप में से किसी एक को चुनना हो? अरे इन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी अभी, और ये दोनों अलग हो जाएंगे। मिलेगी वो जब थोड़ा होश पे आ जाएंगे ना तो अपने आप मिल लेंगे वो, पर अब मुझे तो कोई सलूशन नजर नहीं आता है। से चुराया था जो अपना बनाया था वो तेरा। याद रखूंगी कि अपने जुड़वा बहनों को अलग करने तो न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी इस घर में आएंगे। मैं तुम्हारी बहन को भी लाना चाहती थी, अपनी दूसरी बेटी को अपने साथ रखना चाहती थी, पर नहीं बेटा, रोना नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी।
कभी रोने नहीं दूंगी मैं तुम्हें, कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगी, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। अरे देख के चलो ना प्रज्ञा। अरे बेटा इतनी रात में इतने खराब मौसम में एक छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? डैडी है ना तुम्हारे साथ, मैं पालूंगा तुम्हें, तुम्हें इतना प्यार दूंगा ना कि कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। कहाँ जाओगे अभी से लेकर? पता नहीं, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अब अगर प्रज्ञा वापस आना भी चाहे ना तो मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। उसने तुम्हारी बहन को तुमसे दूर किया है ना, तो अब मैं उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, तुम्हारी शक्ल में नहीं देखने दूंगा। जिसने तुम्हारी बड़ी बहन को मुझसे अलग किया, तुम्हारी जुड़वा बहन को तुमसे अलग किया, कभी भी उनका साया तक नहीं पड़ने दूंगी, साया क्या उनका नाम तक नहीं सुनने दूंगी मैं तुम्हें, कभी नहीं। सर पर उठा लेगी। ये भगवान, हम पूजा इसीलिए करते हैं ताकि उसका मूड ठीक बना रहे। माफ करना बच्चे, मैं जाकर देखती हूँ। ओ की हो यार पुत्र, मैं जल्दी आ गया हूँ या फिर वो जल्दी उठ गई है? पापा जी वो आज थोड़ा जल्दी उठ गई है। ओ रमा, मूड ठीक रखी भाई। लगता है बेबी उठ गई, आपको ही जाके उन्हें हैंडल करना होगा। तुम लोग उसे अपसेट करते हो, बाद में मुझे बोलते हो। चलो जाकर मीरा को बोलो उसे दे। मीरा प्लीज हैंडल हर। श्योर, गिव मी अ मिनट। कोची, अरे अरे मैं तुम्हारे कमरे में आ रही थी, मतलब गई थी और तुम वहां नहीं थी। मैं गार्ड में थी। अरे मैं तुम्हें ये बताने आ रही थी, रिया उठ गई है, उसे तुम ही हैंडल कर सकती हो, वो तुम्हारी सुनती है ना। मैं उसे इसलिए हैंडल कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी सुनती हूँ। हाँ ठीक है, चलो 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 अभी। क्या हुआ? रिया बेबी ने तो अपने आप को कबर्ड में लॉक कर लिया है। अच्छा तुम लोग जाओ। मतलब बहुत ही गुस्से में, तुम लोग निकलो। रिया, रिया बेबी, मीरा हियर, बाहर आ जाओ प्लीज। अच्छा वॉट एवर यू वॉन्ट आई ऑर्गेनाइज इट फॉर यू, प्रॉमिस। बाहर आ जाओ प्लीज। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं बहुत अपसेट हूँ। तो इसमें नया क्या? अब रिया, रिया बेटा मूड क्यों खराब है? उसे अपना मूड खराब करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। अभी की लाडली अभी की जैसे डक चढ़ी है। राची, 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 राची कहाँ रह गई? प्राची, अरे प्राची, पहले पूरा घर छान मारेगी उसके बाद आएगी मेरे पास पूछने के लिए। बीजी प्राची कहाँ है? अरे वो कॉलेज से नहीं आई है, वही बोलने की कोशिश कर रही थी मैं। मैं तो आ गई, वो क्यों नहीं आई? तुम एनजीओ में पढ़ाने जाती हो और वो पढ़ने जाती है। अब तुम तो अपना काम खत्म करके आ जाती हो सीधा घर, लेकिन उसे तो अपने सहेलियों को हाय टाटा बाय बाय करके आनी पड़ती है ना। हो जाती है थोड़ी देर, चिंता मत क्या कर इतनी। टीचर मैं हूँ और लेक्चर आप दे रही है मुझे। मैं ये हलवा पूरी लाई थी, उसकी फेवरेट, अब ठंडी हो जाएगी तो कैसे खाएगी?
पता नहीं कहाँ रह गई इतनी देर तक। जैसे तू तो कुछ जानती ही नहीं। अरे कॉलेज बंद होने के बाद उसका वो समाज कल्याण केंद्र जो खुल जाता है, पड़ी होगी किसी के पचड़े में। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये संस्कार उसे मिले कहाँ से? ये ठेला रोज अटकता है। तो आप रोज रोज यहाँ ठेला अटकाती क्यों है? दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आती? तू जो नहीं मिलेगी मुझे उस रास्ते से, तेरे हाथ लगने से मेरी रोजी चलती है बेटा। खुश रहो बेटा। चल अभी और कितने आशीर्वाद जमा करेगी तू? जितने मिले उतने कम है। तू भी ना। प्रिया प्रिया, My life is over. क्या हुआ रिया? I don't have sandals. तो फिर ये सब क्या? मेरा मतलब है बेटा, जितने सारे सैंडल्स तुम्हारे पास में है ना, इतने तो किसी के पास में नहीं होते। लो, मेरे पास एक भी बेच नहीं है। अरे रिया, रिया, ये तुमने बेच सैंडल पहने तो हुए? मीरा आंटी, क्या आपको बेच दिख रहे हैं? हाँ, तो फिर क्या है? ये बेबी बेच है। मुझे एग्जैक्ट बेच चाहिए, ड्रेस की मैचिंग क्रॉप चाहिए। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? रिया बेटा, जब शक्ल अच्छी हो और ड्रेस महंगी पहनी हो ना, तो सैंडल कोई नहीं देखता। सब शक्ल और ड्रेस देखते हैं। ये पहन ले तू। मजाक कर रही थी मैं तो। तुम्हें तो मेरी आदत पता है ना। अब मैं खुद जाऊं मार्केट लेने के लिए? बेबी, आई प्रॉमिस, मैचिंग ड्रेस और मैचिंग शूज मैं तुम्हारे लाऊंगी। ओके, मुझे अभी चाहिए। अभी चाहिए? एक मिनट।
सैंडल लेकर आप होंगे ना मार्केट से? भाभी आपने ड्रेस से धागा नहीं ग्रेनेड से पिन निकाला है, वो फटने वाला है। मीरा आंटी मुझे अभी नई ड्रेस और मैचिंग सैंडल्स चाहिए राइट नाउ। बेबी बेबी मैं अभी मैसेज करती हूँ डिजाइनर को एंड आई विल गेट योर सैंडल्स एंड योर ड्रेस आई प्रॉमिस। आप म्यूजिक सुनो प्लीज प्लीज फॉर मी प्लीज शांत हो जाओ प्लीज शांत हो जाओ। क्या किया आपने? अरे तो और क्या करती? माफ कर दो पर जब ड्रेस पहननी थी तो फिर इतना हंगामा क्यों किया? आप प्लीज बहुत मुश्किल से शांत हुई है, मैं उसकी मैचिंग सैंडल्स और ड्रेस मंगा रही हूँ, आप चाहो यहाँ से ले लो। अच्छा रिया बच्ची तो अपने लिए नए सैंडल्स भी नहीं ले लेती है। एक जोड़ी पाव के लिए कितनी जोड़ी सैंडल चाहिए? एक ही ना। अरे तो टूट गई। हाँ तो एक और है ना घर पे। वो तो और भी पुरानी हो गई है। मतलब तो दो ही जोड़ी। तो कितनी चाहिए? 200? तो 200 छोड़, तो बस एक और नहीं ले ले, और वो भी सिंड्रेला वाली। हाँ भैया भाभी आता हूँ बे। मैंने कहा घर छोड़ देता हूँ। मैं कह रहा था घर छोड़ देता हूँ मैं। देखो 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 सवारी भी आ गई। बैठिए पापी जी, लेडीज सीट भी खाली है। कितने जेंटलमैन है, कितने जेंटलमैन है। मैं छोड़ देती हूँ। कहाँ? वो तो तू बताएगा ना, हॉस्पिटल के पुलिस स्टेशन। कैसी बात कर रहा हूँ? ये क्या है, सवाल तुमसे करता जवाब ये देती है? प्लीज जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में छोटे बोलते नहीं है। घर छोड़ देता हूँ नहीं तो कल घर लेने आना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे तू? अरे मेरे बापू भी यही कहते हैं कि मैं ज्यादा बोलता हूँ, सच में कंट्रोल ही नहीं होता। देख तेरी भाभी शर्मा के चली गई। चाची वो बकवास पे बकवास किए जा रहे हो, तू ऐसे सर झुका के जा रही है? तू चल। चाची तू डर क्यों रही है, जवाब देना उन्हें। माँ ने सिखाया ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए, मुझे कोई तमाशा नहीं करना। और जो वो हमारा तमाशा बना रहे हैं उसका क्या? चाची अगर हम ऐसे ही सहते रहे ना तो वो ऐसे ही आगे करते चले जाएंगे। मैं अकेले देख के आती हूं। शाना प्लीज यार, माँ को पता चल गया तो? हाँ तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये लोग क्या करते हैं। देख तुझे मेरी कसम तू माँ को कुछ नहीं बताएगी। चाची भगवान ऐसी बहन ना किसी को भी ना दे। सगी नहीं हूँ। हाँ तो कजन सिस्टर भी ऐसी ना दे। और प्राची देख मुझे ना ऐसी कसमें मत दिया कर, मुझे बहुत नफरत है। और मुझे बहुत प्यार है। अगर इतना ही प्यार है ना तो अपनी शादी में 14 कसमें खा लो। हो गया अब चले। चल क्या खुशबू आ रही है, नथुलाल के यहाँ से लेकर आई है ना? कहीं से भी लाई हूँ, राजी को तो बस हलवा पूरी होनी चाहिए। अच्छी लग क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है हलवा पूरी देखकर इमोशनल हो गई है। मेरे लिए लाई हो ना? थैंक यू। क्या थैंक यू माँ, लेट हो गया तुझे, अब तो ठंडा भी हो गया। लेट क्यों हो गया? वो प्रज्ञा मासी जब हम लोग घर आ रहे थे ना तो रास्ते में साना ने कुछ खाया था ना? हाँ एक्चुअली मैंने वो चीज खाई नहीं थी, मुझे खिलाई गई थी। लेकिन क्या खाया था, किसने खिलाया था? मैंने बड़े प्यार से जो खिलाया है उसका टेस्ट याद रखता। अरे लेकिन ऐसी क्या चीज खा ली तूने? वो इमली। हाँ इमली खिलाई थी इसने, इसलिए तो हम घर आने में देर हो गए। हाँ देर तो हो गई है, चल तुझे पढ़ना नहीं है। खुद तो सारे दिन पढ़ती रहती हूँ और मुझे भी पढ़वा दिया इसी के लिए। अच्छा दादी इसकी तो डबल रिवीजन हो जाती है और खुद बन जाती है कॉलेज की टॉप स्कूलर, और मैं वहीं की वहीं। हाँ तो अच्छी बात है ना, अरे तू भी पढ़ा लिया अगर किसी को। किसे पढ़ाऊँ, मेरी तो कोई छोटी बहन है नहीं। हाँ तो ढूंढ लाते हैं कहीं से,